श्रावस्ती नगरी में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, इसलिए उसकी ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनहार कुछ दूसरा ही था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था, पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे थे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लिए उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्टा करते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी कोई दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं, यह अपने पुत्र शोक में पागल हो गई है। इसकी दवा गौतम बुद्ध के पास ही हो सकती है। उसने कहा, माँ, तुम भगवान बुद्ध के पास जाकर उनसे मिलो। गौतमी अपने शिशु को गोद में लिए जहाँ गौतम बुद्ध पालथी मारे हुए बैठे थे पहुँच गई और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने यह अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत न हुई हो वहाँ से सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांगकर लाने को कहा है, आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने लेके आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई। यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य में पड़ गए। गौतमी, यह तू क्या कह रही है, यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से सरसों नहीं लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई, सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा, शायद सारे नगर में यही बात हो, और उसे एकदम से ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर वह अपने पुत्र को शमशान में रख वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी गौतम बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए क्या? गौतमी बोली, भगवान, सरसों नहीं चाहिए, उनका काम हो गया है।